आज का टॉपिक है डिवीजन ब्रायोफाइटा, प्लांट किंगडम का दूसरा टॉपिक है ये। ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? क्योंकि ये जो इनकी जो मतलब लाइफ साइकिल है, अब ये पूछोगे लाइफ साइकिल क्या होता है, मतलब पूरी लाइफ किस पे मतलब डिपेंडेंट है, तो वो वाटर पर भी डिपेंडेंट है और लैंड पर तो वो होती ही है बॉडी। तो अब क्यों वाटर पे डिपेंडेंट है? क्योंकि उसे करना है फर्टिलाइजेशन। इसलिए याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्टिलाइजेशन करने के लिए इन्हें वाटर चाहिए, बस इसके लिए केवल। ऐसा नहीं करते ये कि आधी जिंदगी पानी में रहते हैं और फिर चलते चलते जाएंगे और बाहर रहने लगेंगे, ऐसा नहीं है। मेढक की तरह ऐसा नहीं करेंगे ये लोग, इन्हें सिर्फ फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। थैलोफाइटा जैसी ही इनकी बॉडी होती है, लेकिन थोड़ा सा डेवलप्ड है। मतलब कि ब्रायोफाइटा प्लांट डिवीजन जो है, थोड़ा सा सिंपल लैंड प्लांट कह सकते हो उनको, थोड़े से डेवलप्ड है इनके। मतलब आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, लेकिन पूरा नहीं दिखेगा। मतलब रूट स्टेम सब नहीं दिखेगा, लीफी स्ट्रक्चर दिखेगा। जैसे आप ये देख सकते हैं, आपको ये दिख रहा है लीफी स्ट्रक्चर दिख रहा है ये। अब आप बोलोगे सर ये तो दिख रहा है हमको, लेकिन ये भी लीफी स्ट्रक्चर में ही काउंट होता है ये। आप बोलो सर ये रूट तो है, मगर रूट नहीं है वो, राइजॉइड है वो। रूट्स, अनडेवलप्ड रूट्स को राइजॉइड्स कहते हैं, तो ये बात आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर मतलब एक पॉइंट समझ में आया आपको। पहला पॉइंट क्या, बॉडी बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा डेवलप्ड होता है। सेकंड पॉइंट, एम्फीबियंस मैंने कहा क्योंकि दे लिव इन मॉइस्ट एरिया लिखा हुआ है, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनको रिप्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए, इसलिए उनको एम्फीबियंस कहते हैं। थर्ड पॉइंट, एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है, यानी कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम वही यानी जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होगा। और ये बात सभी को समझ में आनी चाहिए, जब उनके पास में बॉडी डेवलप्ड ही नहीं है, तो जरा एक बात, एक आप एक अपने दिमाग से लॉजिक लगाइए। आपने मैरिस्ट ओ प्लांट टिश्यू पढ़े हैं, वो शुरुआत वाला चैप्टर जो मैंने टिश्यू वाला पढ़ाया आप लोगों को, भाई जिसके पास में मैरिस्टम टिश्यू ही डेवलप नहीं है, समझना बात को, जिसके पास मैरिस्टम ही नहीं है, तो क्या उसके पास परमानेंट टिश्यू हो सकता है? लॉजिक लगाओ जरा इस बात का। तो जब बिल्कुल नहीं सर, मैरिस्टम नो ही नहीं है तो परमानेंट होना पॉसिबल ही नहीं है, और परमानेंट में ही आता है जाइलम फ्लोएम। और ये मैं क्यों कह रहा हूं कि इनमें मैरिस्टम डेवलप नहीं है, क्योंकि इनमें बॉडी ही डेवलप नहीं है, तो मैरिस्टम कहाँ से डेवलप होगा इनका, समझो बात को। तो इनमें मैरिस्टम ही डेवलप नहीं होता है ना। इसके बाद राइजोइड्स, रूट्स, राइजोइड्स होता है, रूट्स आर एब्सेंट, यहाँ ब्रैकेट होना चाहिए बीच में। इसके बाद में वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। अब ये पॉइंट मैंने आपको पहले समझाया था, वेजिटेटिव मतलब होता है बॉडी उसकी, याद रखना उस बात को। मैं ये यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग भी इसको छोटा छोटा करके लिखते ही रहिएगा कुछ ना कुछ। जैसे वेजिटेटिव को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ बॉडी, BODY, प्लांट बॉडी। ये मैं प्लांट बॉडी लिख देता हूँ आगे, प्लांट प्लांट बॉडी है ये, इसका मतलब। प्लांट बॉडी जो है इनकी, वो डेवलप्ड जो है उतनी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लांट बॉडी इट मे बी थैलस लाइक, यानी कि जो प्लांट बॉडी होगी वो थैलस लाइक होगी थोड़ा, मैंने बोला, और डिफरेंशिएटेड इनटू स्ट्रक्चर रिजेम्बलिंग लीफ एंड द मतलब स्टेम एंड लीफ, केवल स्टेम एंड लीफ, मतलब थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं। अब अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, गैमिट बनाने वाले स्ट्रक्चर को गैमेटोफाइट कहते हैं, जिसमें गैमिट्स बनते हैं। अब ये मत कहना गैमिट्स किसको कहते हैं, चलो बता देते हैं। अच्छा, गैमिट मतलब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जैसे हम सब के गैमिट्स क्या हैं, स्पर्म और ओवम, ऐसे उसके गैमिट्स तो उनके अलग होंगे गैमिट। जैसे हमने बड़े बड़े प्लांट्स के फ्लावर देखते हैं, तो फ्लावर में क्या होता है, पॉलन ग्रेन, ओव्यूल, तो यहाँ पर वैसा ही है। तो गैमेटोफाइट मतलब ये फ्लावर तो है ही नहीं इसके पास में, तो गैमिट जैसा स्ट्रक्चर होगा लेकिन वो फ्लावर नहीं है, बस ये बात याद रखना। स्पोरोफाइट मतलब जो वेजिटेटिव बॉडी होती है उसको स्पोरोफाइट बोलते हैं। ये थोड़ा अच्छा पॉइंट है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर एक बात शेयर कर रहा हूँ आपको, जैसे कि एक अगर आम का पेड़ है, ये आम का पेड़ मैंने बनाया यहाँ पे, और ये इसकी पूरी बॉडी बताई। अब इसमें जो फ्लावर निकलेगा, इसमें जो फ्लावर निकलेगा, सपोज ये रेड रेड सा मैं फ्लावर बना रहा हूँ,
तो ये फ्लावर को हम क्या बुलाएंगे, गैमेटोफाइट। ये फ्लावर है गैमेटोफाइट, और जो इसकी बॉडी का पूरा बाकी बचा हुआ पोर्शन है यानी कि ये और नीचे वाले रूट्स, ये सब कहलाएंगे स्पोरोफाइट। याद रखना इस बात को, या वेजिटेटिव बॉडी, याद रखना इस बात को, भूलना मत। कोई ने भी गलती किया ना, अगर किसी ने भी अगर, तो मैं अच्छे से टाइट करूंगा उसको, याद रखना इस बात को। तो ये बात आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, अगर हो रहे हो तो मैं पूछ रहा हूँ, आप मतलब आपको मैं रुक रहा हूँ यहाँ पे, आप पूछ लीजिए जो पूछना हो। जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये बड़े प्लांट्स की बात है, डेवलप प्लांट्स की बात है, पर इनका ही सिस्टम पीछे वालों में भी फॉलो होगा। तो जो ये फूल दिख रहा है आपको, ये फ्लावर दिख रहा है, ये फ्लावर किस स्ट्रक्चर के ऊपर निकला हुआ है, इसके ऊपर निकला हुआ है ना, ये लीफ वाले स्टेम वाले स्ट्रक्चर के ऊपर, इसके ऊपर डेवलप हो रहा है ना। तो जो फ्लावर है यानी कि ये फ्लावर को मैं बोल रहा हूँ, ये गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर है, ये गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर है, और ये जिसके ऊपर लगा हुआ है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बुलाएंगे वेजिटेटिव या स्पोरोफाइटिक। मैं यहां लिख देता हूं इस बात को, फ्लावर हमेशा गैमेटोफाइटिक कहलाता है, ये बात याद रखना। और जो ये बाकी बचा हुआ स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड स्पोरोफाइटिक, और एक नाम और होगा इसका, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव बॉडी। तो ये कवर थोड़ी ना कर रहा है उसको, प्रोटेक्ट भी नहीं कर रहा है, बस ये दोनों एक दूसरे के अपने अपने हाँ स्ट्रक्चर सर, को शो समझ कर गया रहे हैं। सर। हाँ तो ये हो गया। बता रहा था मैं वेजिटेटिव के बारे में बता रहा था जो मैं, और स्पोरोफाइटिक के बारे में बता रहा था, वो यहाँ पर दिख रहा है आपको। सेक्स ऑर्गन पहले वाले में यूनिसेलुलर थे, अभी इन वाले में डेवलप होके मल्टीसेलुलर हो गए हैं, और जैकेट भी आ गई है उनके ऊपर। जैकेट का मतलब कवर हो गए हैं वो लोग। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम एंथ्रीडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम आर्किगोनिया। देखो ये थोड़ा हाई लेवल पॉइंट है, एनसीईआरटी लेवल पे तो नहीं है, पर ये हाई लेवल पॉइंट है थोड़ा। तो ये हो गया, बस इतना ही है ब्रायोफाइटा, बस इतना ही पढ़ना है आपको। इतना आपने पढ़ लिया अगर ब्रायोफाइटा, तो आपका बस कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना पढ़ना है आपको ब्रायोफाइटा के बारे में, एग्जाम्पल्स भी उनके पढ़ने हैं, याद रखिएगा इस बात को। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट डिवीजन जो है टेरिडोफाइटा है। आप इनको रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये लैंड पर पाए जाने वाले पहले पौधे हैं जो डेवलप्ड हैं, वैस्कुलर भी हैं, वैस्कुलर सिस्टम भी इनमें पाया जा रहा है। और हाँ, बस इनमें फ्लावर नहीं पाया जा रहा है, तो इनको फेनरोग्राम कहते हैं, सॉरी क्रिप्टोग्राम कहते हैं। ये बात पता है आपको, क्रिप्टोग्राम पहला होता है और फेनरोग्राम उसके बाद में आते हैं। तो क्रिप्टोग्राम का पहला हायर प्लांट है ये। प्लांट बॉडी फुल्ली डेवलप्ड होगी, पहला ऐसा प्लांट जो फुल्ली डेवलप्ड प्लांट बॉडी वाला है, जिसमें रूट स्टेम और लीफ कंप्लीट होती हैं। अब आप सभी को जो भी मैं पढ़ाता जा रहा हूँ ना, कैसे पढ़ना है, टेबल बना के पढ़ना है। जैसे ये लाइन ऐसे, मतलब टेबल बनाई और पहले लिखा आपने क्या लिखा यहाँ पे, थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, और लास्ट में एंजियोस्पर्म। और पहला पॉइंट, सबसे पहला वाला क्या था, हमने बॉडी वाली बात कही थी। तो इसकी बॉडी थैलस लाइक, इसकी बॉडी पार्शियली डिफरेंशिएटेड, फुल्ली डिफरेंशिएटेड, और फिर फुल्ली फुल्ली, ऐसे लिखते चले जाओगे। वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट, एब्सेंट प्रेजेंट, फ्लावर एब्सेंट एब्सेंट एब्सेंट, प्रेजेंट प्रेजेंट। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड, मल्टीसेलुलर जैकेटेड, बाकी सब मल्टीसेलुलर जैकेटेड, सब मल्टीसेलुलर जैकेटेड होंगे। तो ये तीन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, और जनरली पॉइंट ऐसे ढूंढिएगा जो तीनों में कोई ना कोई आपको पॉइंट उसका मिल जाए। अब उसके बाद प्लांट बॉडी पढ़ लिया, गैमेटोफाइट समझ लिया इस बात को, गैमेटोफाइट स्मॉल होगा और इंडिपेंडेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जैसे प्लांट के ऊपर फ्लावर ऊपर निकलता है ना, तो वो इंडिपेंडेंट कहाँ हुआ वो, लेकिन इसमें अलग होगा वो। अब बोलो ये क्या सिस्टम है, अलग होगा का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक चीज है जो फर्टिलाइजेशन करती है और अलग हो जाती है उसकी बॉडी से, और वो इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर डेवलप कर लेती है। खैर इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, पर आपको इतना ही समझना है बस केवल। अगर ज्यादा डिटेल में जानना है तो ओलंपियाड वाली क्लास में पूछ लेना।
सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर जैकेटेड, वही सब बातें जो है बार बार आएंगी। एक्सटर्नल वाटर जो है यहाँ पर रिक्वायर्ड है गैमेट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, सॉरी पहुंचाने के लिए। वैस्कुलर टिश्यू होंगे, देखो एक बार अगर याद आ गया ना, एक बार सिस्टम समझ गए ना प्लांट किंगडम पढ़ना कैसे है, बस सब समझते चले जाओगे, ये याद रखना हमेशा। तो ये हो गया और बस इतना ही है, और तो कुछ है नहीं इसमें। अब आता है फेनरोग्राम। फेनरोग्राम का मतलब है फ्लावर वाले पौधे जिसका पहला सब डिविजन है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस मतलब नेकेड, स्पर्मा मतलब सीड। तो जनरली आपको मैं पहले यही पढ़ा देता हूँ, सीड बनाने वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लावर का बीज का स्ट्रक्चर होता है, और जो उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वो ये होता है। आप सपोज दैट मैंगो जैसा स्ट्रक्चर मान लीजिए, तो जो ये बाहर का स्ट्रक्चर होगा, ये अंदर वाले बताता हूँ पहले ये क्या है और ये क्या है, इन दोनों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो ये पहला वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल, याद रखना इस बात को, ओव्यूल, और बाहर वाले को बोलते हैं ओवरी। ओवरी आगे चल के ये ट्रांसफॉर्म होता है, ओव्यूल ट्रांसफॉर्म हो जाता है आगे चल के सीड में, और ओवरी आगे चल के ट्रांसफॉर्म हो जाती है फ्रूट में, फ्रूट वॉल, फ्रूट फ्रूट वॉल कह सकते हो। हाँ अब जरा ये बताओ, अच्छा जब मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें जो है आपका ओव्यूल या कह सकते हो सीड नेकेड है, सीड नेकेड बोल रहा हूं मैं, सीड नेकेड तो सामने लिखा हुआ है, पर मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देना। यजत मैं ये कह रहा हूं कि जिम्नोस्पर्म में जो ओवरी है उसके वो होती ही नहीं है, तो ओव्यूल नेकेड कहलाता है। तो ये बस इतनी सी सिंपल सी बात थी, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एवरग्रीन प्लांट है, वोडी मतलब लकड़ी वाले, पेरेनियल मतलब जो कई सालों तक रहते हैं। स्पोरोफिल्स, ये नया नाम आया, स्पोरोफिल्स का मतलब होता है जो स्पोर बनाते हैं। अब ये कह दो ये काम क्या करते हैं, ये रिप्रोडक्शन करते हैं, याद रखना। स्पोरोफिल यानी ये फ्लावर जैसे ही हैं पर फ्लावर नहीं है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कुछ, आप भी कॉपी पेस्ट कर देना यहाँ पे, कून्स के बाजू में मैं लिख रहा हूँ इट इज लाइक फ्लावर, ये फ्लावर के जैसे होंगे, ये बात याद रखना इस बात को, दे आर लाइक फ्लावर, ये बात आपको भूलनी नहीं है, कौन फ्लावर के जैसा स्ट्रक्चर है। ये जो है सब कोन का डायग्राम दिखाया जा रहा है, ये कोन है, और अगर आपको इसका और डिटेल में देखना है तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, रुकिएगा। ऐसे स्ट्रक्चर आप लोगों ने जरूर देखे होंगे, आपके स्कूल में कुछ प्लांट होंगे पाइन ट्री जिसका नाम है पाइन, या आपने क्रिसमस ट्री देखा होगा, साइकस का पौधा देखा होगा, साइकस का, उन सबके कोन्स। देखो आप ये ध्यान से देखिए, इसको हम कोन का नाम दे रहे हैं। अगर आपको ये स्ट्रक्चर और डिटेल में देखना है तो और इसका डिटेल निकाल लिया जाए। कोम लिखा मैंने, अच्छा तभी नहीं आ रहा है कोन, हाँ कोन आया। तो भी सेम फोटोज है, नहीं रुको ना अब आएगी। ये कंपैरेटिव स्टडी की जा रही है, कंपैरेटिव स्टडी का मतलब कंपेयर करा के स्टडी करेंगे यहाँ पे ये लोग, इधर जिम्नोस्पर्म है ये एंजियोस्पर्म है, ये बात याद रखना। ये दिखाया भी रहा है यहाँ पे, लिख भी रहा है यहाँ पे कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के सीड में बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। अब ये देखिए कोन लिखा है, कोन स्केल, कोन, ये सब कोन है पूरा। अब कोन में क्या होता है कि सीड ही दिखाई देंगे आपको और कुछ नहीं दिखाई देंगे, राइपेंड सीड, इसमें कहीं आपको फ्लैशी पार्ट नहीं दिखाई देगा, और इधर वाले में आपको सब में फ्लैशी पार्ट दिखाई देगा, जैसे एप्पल में हो गया, टोमेटो में हो गया, ये एक और होता है चाइनीज लेंटन, ये सब जो है अलग अलग है। तो ये है थोड़ा सा टिपिकल डायग्राम, और सिंपल डायग्राम निकाला जाए कोई क्या, एक मिनट रुकिएगा मैं आपको और सिंपल डायग्राम निकालता हूँ यहाँ पे, ये देख सकते हैं, ये भी डिफिकल्ट है आपके लिए। वैसे ये सब पढ़ाया नहीं जाता है आपके स्टैंडर्ड पे, मैं यूं ही दिखा रहा हूँ आपको कि थोड़ा बहुत आपको लगे कि हाँ ये एडवांस है, ये जो भी कुछ है।
ये और भी खतरनाक डायग्राम है जिसपे मैंने कर्जर रखा है जाके राइट साइड में, ये सब मतलब ये भी देख सकते हैं आप, ये भी बहुत बहुत एडवांस स्ट्रक्चर है, ये वेरी एडवांस स्ट्रक्चर है, 11th में पढ़ाया जाता है ये। और ये देख लीजिए आप, नहीं दिखेगा शायद आपको, बहुत छोटा दिखेगा यहाँ पे, कोन के अंदर ये सीट दिखेगा आपको बस यहाँ पे, ये सीट दिखेगा, ये ऊपर की जो वॉल होती है, ये वॉल कुछ भी नहीं होती, इसको इंटेगुमेंट कहते हैं, बस इतना ही है, इतना ही आएगा ये आपको यहाँ पे याद रखना। और पॉलन ग्रेन आप देखिए यहाँ से एंट्री करता है इसके अंदर, ये देखिए पॉलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन करने के लिए अंदर जा रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है और ये यहाँ पर सीड बन गया, एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो जब नया पौधा बनाएगा तो उसको स्पोरोफिल कहेंगे, याद रखना, न्यू स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के बीच में ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक टॉपिक आएगा, अगर आप और ज्यादा हाई लेवल पे पढ़ेंगे तो, वो इसमें होता ही रहता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये याद रखना। तो पॉलिनेशन बाय विंड है। एंडोस्पर्म एक नया चीज आ रही है, मैं आपको एक बात बताऊंगा, एंडोस्पर्म क्या होता है देखो ध्यान से सुनना, फर्टिलाइजेशन होने के साथ में एंडोस्पर्म बनता है, ये थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, कैसे पढ़ाऊंगा आपको मैं, उसके लिए मुझे एंजियोस्पर्म पढ़ाना पड़ेगा आपको। चलिए एंजियोस्पर्म में मैं एंडोस्पर्म आपको पढ़ा दूंगा, इसके अंदर आपको एंडोस्पर्म पढ़ाऊंगा, अभी ये मत पढ़ो। वैस्कुलर स्ट्रैंड पाए जाएंगे, और एक चीज और होगी यहाँ पे, जाइलम लैक वेसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जाइलम में वेसल नहीं होगी और फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं होगी, और सीव एलिमेंट आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू सीव ट्यूब्स, सीव एलिमेंट सो सीव सेल्स कहते हैं उनको, ये बस याद रखना। ये देखो हाई लेवल पॉइंट्स हैं, ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे आपको, तो ये सब कुछ भी नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में आपको, सिर्फ दो लाइन का मिलेगा जिम्नोस्पर्म पूरा खत्म, जिम्नोस्पर्म पूरा का पूरा एनसीईआरटी में तो है ही नहीं कुछ भी, तो बस इतना ही याद रखना है आपको। ये अगर हो जाए याद तो अच्छी बात है, नहीं हो तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इसके बाद एंजियोस्पर्म के बारे में हम बात करेंगे, एंजियोस्पर्म डेवलप प्लांट्स होते हैं, जितने भी कवर्ड सीड वाले होते हैं उनमें उनका फ्रूट बनता है, ये सभी के सभी जो हम 90% जो फ्रूट खाते हैं वो एंजियोस्पर्म ही होते हैं। जिम्नोस्पर्म बहुत रेयर है, वो सब दो तीन वेराइटी है जिम्नोस्पर्म की, वो तो मैंने दिखा दिया आपको, जैसे कि आपका ये है साइकस है, पाइनस है और देवदार है, देवदार को एक और बात बोलते हैं जायंट रेडवुड प्लांट भी कहते हैं, बहुत बड़ा होता है, लगभग बहुत ही बड़ा, 50 मीटर से भी ऊपर 100 मीटर तक के आसपास बड़ा, बहुत बड़ा पौधा होता है, एकदम जायंट वुड, एकदम मोटा सा होता है उसका स्टेम, उससे बहुत कॉमर्शियल यूज भी है उसका। एंजियोस्पर्म मतलब कवर्ड सीड, वो सारी बातें उल्टा कर दो जो पीछे नहीं था वो इसमें पाया जाएगा। अब एंडोस्पर्म ये जनरल मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, हैबिटेट फ्रूट फ्लावर ये सब मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, पॉलिनेशन पता ही होगा आपको, विंड वाटर एनिमल ये सब जनरल पॉइंट्स हैं, आपको पढ़ लेने होंगे। एंडोस्पर्म जब इसके अंदर आएंगे तब हमारे पास ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा, उसके लिए मैं आपको एक अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा अलग से, मुझे आप ओलंपियाड की क्लास में याद दिलाना, जो बच्चे ओलंपियाड में आते हैं, ये जरूरी नहीं है पॉइंट समझना, एंडोस्पर्म वैसे तो जरूरी ही नहीं है, वैसे तो ये पूरा ही जरूरी नहीं है, पर जिनका मन हो पढ़ने का वो मैं अलग से इसका वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा और भेज भी दूंगा, आप पढ़ लेना, अगर समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब हम ये ओलंपियाड क्लास लें या जब कोई अपनी ऐसी कोई क्लास लें, क्योंकि तो अभी 5 मिनट में तो नहीं हो पाएगा ये टॉपिक खत्म, तो आप मुझे बोलना कि सर मुझे आप जो है डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा दीजिए, ये इसके अंदर का टॉपिक है। अगर आपको अगर बहुत उत्सुकता हो रही है जानने की अभी, तो मेरी क्लास खत्म होने के बाद आप डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ लीजिएगा यूट्यूब से, पर फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो फिर मैं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा आपको, तो वो नेक्स्ट या आने वाली क्लासेस में ही पढ़ाऊंगा मैं, और बाकी बच्चों को भी शेयर कर दूंगा वीडियो, ऐसा नहीं कि मैं कुछ ही बच्चों को दूंगा, मैं सभी को दे दूंगा, मन करे तो पढ़ना, नहीं पढ़े तो छोड़ देना उसको। डाइकॉट और मोनोकॉट का डिफरेंस याद करना है, बस यही एक लास्ट टॉपिक है इसका प्लांट किंगडम का। डाइकॉट मोनोकॉट में क्या होगा, दो कॉटिलेडन्स होंगे, डाइकॉट में जैसे चना काजू ये अपना किडनी बीन्स ये सब, और इसमें एक सीड होगा, इसमें वेनेशन मतलब ये जो है आपको ऐसे वेनेशन जो आपको लीव देखने को मिलेगी उसमें आपको ऐसे 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 देखने को मिलेगा, इस वाले में जो वेनेशन दिखेगा वो आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे होगा और पैरेलल दिखेगा, जैसे कि आपको शुगर केन में दिखता है, मकाई में दिखता है, गन्ने में दिखता है,
इनमें दिखता है, जो अकेले में दिखता है, वो सब पैरेलल वेनेशन है। उसके बाद वैस्कुलर बंडल जो है ओपन एंड अरेंज इन रिंग, मतलब कि जैसे ये है, अब इसमें एक तरफ जाइलम और इधर ही होता है फ्लोएम, ऐसे जाइलम फ्लोएम यहाँ यहाँ पे पाए जाएंगे, रिंग में पाए जाएंगे, ऐसे प्रॉपर रिंग होगी। इधर कुछ भी नहीं है, ऐसे फैले हुए होते हैं सब, ऐसे बिखरे हुए होते हैं जाइलम फ्लोएम, प्रॉपर रिंग नहीं होती उनकी। मतलब ये ऐसे बनाया हमने और हमने यहाँ पर आपको दिखा दिया कि ये एक जाइलम फ्लोएम यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, कोई प्रॉपरली नहीं पड़े हैं, सब ऐसे फैले पड़े हैं इधर उधर। और इस वाले में तो एक अरेंज थे, एक लाइन से अरेंज थे वो, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ऐसे पूरे एक लाइन में अरेंज होंगे, लाइन में पूरे सीक्वेंस में होंगे। सेकेंडरी ग्रोथ, ये क्या होता है ये सुनो, सेकेंडरी ग्रोथ जो प्लांट डेवलप होते हैं ना, जो दूसरे साल तीसरे साल चौथे साल तक डेवलप होते हैं, तो उनमें रिंग पाई जाती है अंदर स्टेम में, ऐसे गोल गोल से रिंग दिखेंगी आपको, एनुअल रिंग्स बोलते हैं इनको, याद रखना इस बात को मैं जो बोल रहा हूँ, एनुअल रिंग्स होती हैं, इनमें नहीं होती हैं। जब ये पौधे छोटे ही होते हैं, मकाई का पौधा कितने साल रहेगा, 6 महीने, भाई मकाई तुम लगाओगे तो क्या जीवन भर के लिए थोड़ी लगाओगे, तो इसलिए मोनोकॉट सब छोटे पौधे होते हैं। चावल गेहूं ये कितने महीने, 6-7 महीने के लिए लगते हैं, क्या जीवन भर थोड़ी ना इनके पौधे को लगाया जाता है, इसलिए इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती ही नहीं है। फ्लावर पेंटामेरस और टेट्रामेरस, यानी पंखुड़ी जो होती है फ्लावर की, वो 5-5 के अरेंजमेंट में होती है, 5 फिर उसके ऊपर 5 फिर उसके ऊपर 5, और इधर वाले में ट्राइमेरस, यानी इसमें 3-3 के अरेंजमेंट में होती है। मतलब मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, जैसे ये फ्लावर है इसका 1, 2, 3, 4, 5, इधर वाले देखेंगे तो 1, 2, 3, तीन ही था, 1, 2 और 3, और इधर वाले में 5 तो ये तो था, इसके ऊपर एक और होगा 5, मतलब इसके ऊपर एक और होगा, मतलब 5 का ही सेट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब जितने भी लेयर बनेंगी ना, 5-5 की लेयर बनेंगी, और इसमें जितनी भी लेयर बनेंगी ना, 3-3 की लेयर बनेंगी। तो ये था मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में बातें, आप इसको पूरा रीड करना, पढ़ना, जहां जो समझ में ना आए मुझे पूछना, और अगर फिर भी दिक्कत हो तो हम नेक्स्ट क्लास में तो इसके बारे में फिर से पढ़ाने ही वाले हैं और बाकी बातें बता ही देंगे आपको फिर से। तो बस ध्यान रखना इन चीजों का और रिवाइज जरूर करना, मैं ये वीडियो लेक्चर अभी तुरंत क्लासरूम में डाल दूंगा और आप उसको रिवाइज कर लेना, जिसको एक बार दोबारा देखने का मानो दोबारा देख लेना, पर मैं जब नेक्स्ट क्लास में पूछूं तो मेरी बातें भूलना मत, बस जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उनको भूल मत जाना,